नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि सपरिवार सकुशल होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत प्यारी वीडियो है कि मिलजुल के कैसे रहा जाता है। एक मेरे भाई हैं, वो इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, है वो पाकिस्तान से। लेकिन मुझे भी ये लगा कि यार बंदे में दम तो है, इसलिए मैं उनकी रिएक्शन वीडियो लेकर आने को मजबूर हो गया। मुझे लगा यार बंदे में दम है, और वाकई बहुत अच्छी बातें हैं वो करते हैं, समझाते हैं लोगों को। तो मुझे लगा कि क्यों ना उनकी वीडियो रिएक्शन वीडियो के तौर पर मैं आपको दिखाऊं। हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत शंकाएं हैं मन में एक दूसरे के प्रति, हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, हम देखेंगे उनको। और मुझे ये लगता है कि बेशक हम आपस में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी इतनी है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ ना सकें, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर ना कर सकें। तबकि ये बिल्कुल उलट जब हो जाता है, जब हम किसी बाहर अदर कंट्री में जाते हैं, नेबर कंट्री में जाते हैं, या फिर सेना कंट्री में जाते हैं, और जब वहाँ पे इंडिया हो या पाकिस्तान का कोई भी मिलता है, तो एक अजीब सी खुशी होती है। एक ऐसा खुशी होती है कि जैसे घर का माहौल मिल गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा वहाँ पर हो सकता है, ऐसा विदेश में जाके अगर ये हो सकता है कि मन में आ सकता है कि यार ये तो हमारा पड़ोसी देश का वो लड़का है और मिल गए तो बहुत खुशी हुई, प्यार दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, चीज़ें शेयर करते हैं। वहाँ पे ना तो कोई हिंदू ना मुस्लिम, वहाँ पे सब ये देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क से आया, मेरा अपने घर से आया है, मेरा अपना दोस्त है, मेरा अपना यार है, रिश्तेदार है, और ऐसा ट्रीट करते हैं कि खुद पार्टियाँ करते हैं, देते हैं और खुशी से मिलते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो मुझे ये लगा कि अगर बाहर ये हो सकता है तो क्या अपने देशों में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और मुझे भी पता है कि थोड़े बहुत मनमुटाव भाई भाई में भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो भाई भाई में मनमुटाव हो सकता है। लेकिन चंद लोग कुछ ऐसे हैं कि जो नफरती बीज बोते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, उससे किसी का भला होने वाला नहीं, वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देगा। तो मुझे लगा कि यार ये बंदे में दम है, तो उनकी रिएक्शन वीडियो मैं लाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि शायद उनसे कभी मुलाकात हो, कभी बात हो जाए, इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बात हो जाए। तो मुझे बहुत चाह है, क्योंकि उस बंदे में वाकई बहुत दम है, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो पुलिस फोर्स है उनसे भी मतलब भिड़ गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पूरे बीच, जो कट्टर पाकिस्तानी हैं, जो नफरती बीज बोते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बीच जाके भी वो बंदा, अगर ह्यूमन राइट की बात करे, चमचागिरी नहीं करना, जो कायदा है, जो सही है, वो सही कहना। तो मुझे लगा यार ये तो वाकई बंदे में दम है, राइट की बात करता है और कायदे की बात करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस भाई की, और इस भाई को दिल से सैल्यूट है कि आप ऐसी वीडियो लाते हैं। हमें भी खुशी होती है कि देखो, कोई नहीं चाहता कि कोई खून खराबा हो, बट ये चंद लोग हैं जो आपस में भिड़ाने का काम करते हैं और हम बहक जाते हैं। तो वो नहीं बहकना है, काम पे ध्यान देना है, अपने करियर को आगे बढ़ाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ, यही चीज़ सीखने को मिलती है। और एक दूसरे से कैसे मिल के रहना है वो चीज़ें सिखाती है। तो हम देखते हैं भाई की वीडियो, तब तक के लिए वॉच द वीडियो, धन्यवाद। ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, और मिलके रह और रहे देश हैं। देश के भाई भी मौजूद है, वहां का भाई जैसा इंडिया का भाई, दोनों सेम सेम जबरदस्त है।
लेकिन सिर्फ माहौल जो है ये ऊपर वाले जो मीडिया लोग हैं मीडिया के लोग हैं। उनका ही बस ये इधर का बात उधर का बात करने का है। ठीक है, यहाँ पे हम इनके साथ में, ये पाकिस्तान से हम इंडिया से हैं और मिलके रह रहे और मिलके रह रहे हैं। ये अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई के जैसा मानता है। ये भाई तो कह रहे हैं बहुत लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। नो नो नो, दे आर लिविंग वेरी फ्रेंडली एंड वेरी यू कैन से एज अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इंडिया वाले भाई भी मौजूद हैं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि भाई इधर पाकिस्तानी जब पता चलता है कोई इंडिया से आया तो उसे वैसे ही जो सा वो भगा देते हैं। ये भाई मुझे बोल रहे हैं यार, आप अपना एक्सपीरियंस क्या? यार मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो मैक्सिमम 80% वो इंडियन है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये भी यही कह रहे हैं। ऐसा तो है ना, कोई फर्क है कि पाकिस्तानी है इंडियन से इनको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर सब लोग है इधर, सब लोग रहते हैं, खाना भी इकट्ठा खा लेते हैं, करते हैं ना खाना भी इकट्ठा का करते। पहले हम लोग जो पढ़ते थे बिल्कुल शायद पहले होता था क्योंकि हमारे जाता था दुश्मन है, हमें जो कहते थे हम जो देखते थे वो बिल्कुल सही था। अब जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, पहले ये चीज होता था, अब बिल्कुल यकीन करो यहाँ पे हम आ गए ये चीज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जबरदस्त मिलते जुलते और ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी है। यहाँ पे मैं ये सिचुएशन देखा हूँ, एक साल हमको हो गया इधर पाकिस्तानी लोग के साथ में मैं अकेला रहता हूँ, ये लोग तकरीबन 20 आदमी है। अच्छा, 20 आदमी में मैं इनके रूम में जाता है, खाता है पीता है रहता है, इकट्ठा ही खाते हैं, हमको कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं होता है, कुछ भी हमको यहाँ पे डर सा नहीं महसूस होता है। बिफोर कमिंग टू यूएई बिकॉज आई वेयर यू नो, मैं बहुत लोगों से सुन चुका था कि इंडिया ऐसा है ये खिलाफ है, लेकिन व्हेन आई केम हियर सी बाय यू नो प्रैक्टिकली, सो द पीपल ऑफ इंडियन दे आर वेरी हम्बल, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पर। यस्टरडे आई जस्ट गो द इंटरव्यू और वहां पे मेरी इंटरव्यू थी डॉक्यूमेंट ऑफिसर, और ट्रस्ट मी बिलीव मी आई स्वेयर जितना कोऑपरेट जितना हेल्प मेरे इंडियन ने की ना, so I can't even expect it कि वो इंडियन है। ज्यादा ड्राइवर होते हैं पठानीज, पाकिस्तानीज ड्राइवर होते हैं ज्यादा। ठीक है, अच्छे अच्छे कंपनी में काम करने वाले भी है। ठीक है, और इंडियंस तो ज्यादा ड्राइवर की काम नहीं करते। यहाँ पे व्लॉगिंग सा भी कुछ ऐसा करेंगे आप लोग, बल्कि कमेंट सेक्शन में बताएं क्या चीज आप देखना चाहते हैं यूएई की, खास तौर पे अबू धाबी और दुबई की, कौन सी ऐसी कंटेंट, कौन सी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। वैसे तो हम भी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर यहाँ पे दिखाएं कि इंडियंस कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौन सी जॉब कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग कैसे मिल के रह रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम हम मौजूद हैं यूएई की स्टेट अबू धाबी में, और यहां पे मेरा आने का मकसद क्या, प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूएई सीरीज, जिसमें हम आपको अबू धाबी का भी विजिट करवाएंगे, दुबई का भी विजिट करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मैं अब तक जितनी भी वीडियो जितने भी प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान से किए हैं, और हम यही इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था और खुद मैंने भी ऑब्जर्व किया कि यार जब तक हम इंडियन से इंटरेक्शन नहीं करेंगे या ऐसी पे नहीं जाएंगे जहां पे इंडियंस भी रहते हो पाकिस्तानीज भी रहते हो, तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर ये लोग मिलके कैसे रहते हैं, क्या आपस में इश्यूज हैं। अब दुबई में, यूएई में या फॉरेन कंट्रीज में किस तरीके से इंडियन पाकिस्तानी मिलके रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखते हैं कि छोटी सी बात पे इंडिया को लेके कोई ना कोई, मतलब कोई हमारा पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे दे, इलेक्शन के दिनों में कोई भी ऐसी बात हो तो नफरतें बढ़ा दी जाती हैं या बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या यहां पे भी वही माहौल है या फिर यहां पे मिलके रहते हैं, तो ये चीज। और मेन चीज जिसके लिए मैं यहां पे आया हूं, 13 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहां अबू धाबी में आ रहे हैं, शेख जैद इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मैं ये समझता हूं कि अबू धाबी या दुबई या यूएई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2-4-5 हजार नहीं बल्कि 60 हजार के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे कि अगर पब्लिक का इंटरेक्शन हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हम बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, एक तो ये मेन मकसद है। और उससे वेरी नेक्स्ट डे यानी 14 फरवरी को अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का, पहला मंदिर इनॉगरेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS BAPS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो के जिन्होंने बनाया है, उसे कवर करेंगे। ना सिर्फ कवर करेंगे, वहां पे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनॉगरेशन के लिए आएंगे, कोशिश करेंगे मुलाकात हो। और मेन यहाँ पे हम ये चीज कोशिश करेंगे दिखाएंगे कि केरला, इंडिया की जो स्टेट है केरला, वहां के लोग बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 5 मिलियन के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे मिडल ईस्ट में, जिनमें से तकरीबन 1 मिलियन या इससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अबू
धाबी में मौजूद हैं, यहाँ पे इंडियंस क्या जॉब करते हैं, पाकिस्तानी क्या जॉब करते हैं, ये भाइयों से पूछेंगे। यहाँ पे इंडियंस को मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, पाकिस्तानी ज्यादा ड्राइवर या फिर लेबर क्लास में है, इसकी क्या वजह, ये पूछेंगे। कौन से पासपोर्ट की, इंडिया के पासपोर्ट की या पाकिस्तान के पासपोर्ट की, कौन से पासपोर्ट की ज्यादा वैल्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा इस पूरी सीरीज में जितनी भी वीडियोज होंगी ने शेयर करना है, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, मैं मोटिवेट होता रहूं और बेहतर से बेहतरीन वीडियोज, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा। अभी चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। जी तो दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं एक बाईसाइकिल स्टोर के बाहर मौजूद है। हमने एक साइकिल ली थी भाई से, वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो अभी इनके पास हम कंप्लेन लेके आए हैं। ये भी इंडिया से है मेरे ख्याल से। भाईजान, आपसे साइकिल लेके गए हैं कुछ दिन पहले एक बच्चे की, खान साहब हम लेके गए साइकिल, बिल्कुल लेके गया, ठीक वो ठीक नहीं है, तो ये देखें क्या आप क्यों ऐसा हो। ऐसा बात है कि आप साइकिल यहाँ पे लाइए, क्या चीज प्रॉब्लम है हम वो आपको बना के देंगे, जो प्रॉब्लम है मैं वो प्रॉब्लम सोल्व करके आपको देंगे, आप इधर लेके आइए, आपका क्या मसला आ रहा है मैं चेक करेगा, चेक करके आपको बना के अच्छा से देगा। तो भाई आपने पहले क्यों नहीं ठीक दी, देखो अभी मैं स्पेशल अपने साथ, आप कहाँ से हैं? हम तो भाई इंडिया से देखो मैं अपने साथ पाकिस्तानियों को लेके आया हूँ, सिर्फ आपकी कम्प्लेन करने के, ये देखो इस बंदे ने मुझे साइकिल नहीं, सबके सब हम भाई लोग। अच्छा, इधर नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब भाई लोग है, ठीक है। हम इन लोग खान साहब छोटा भाई जैसे क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी सपोर्ट करें, आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब वो पाकिस्तान में जो एक वो ताजा माहौल है ना, वो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अमरियत ये चीज नहीं, मतलब पाकिस्तान जैसे जमहूरियत नहीं, वहाँ पे इस तरह सिस्टम है, मतलब हर एक को भाई इंडिया के नाम पे कोई भी यही मतलब कि मैं कम्प्लेन करता कि इंडिया वाले ने। अच्छा ये देखें, इधर मैं लेके आया हूँ पाकिस्तानी भाइयों के, भाई इंडिया वाले ने मेरे साथ धोखा किया, ये छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट था, प्रैंक था या जो भी समझ ले, लेकिन उसने भी ये कहा कि साइकिल ले आओ वो ठीक कर देंगे, इधर कंप्लेन ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी और इंडियन लड़ पड़ेंगे। अच्छा, आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं? एकदम मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक, कितने देर से और कहा, आप कहाँ से? इंडिया से। इंडिया में यूपी से। यूपी से, ठीक हो गया। यूपी के जो सीएम है उनका क्या नाम है? उनका नाम योगी। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं क्या समझते हैं कि इधर अगर अबू धाबी की बात करें, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इंडियन भी मौजूद हैं, कैसे मिलजुल के रह रहे हैं, और आप कितनी देर से यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे तकरीबन मेरे को एक साल हो गया। ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा हमको इन लोगों के साथ में रह के हमको अच्छा लगता है, इन लोगों का बात व्यवहार सब कुछ अच्छा है, ठीक है, हम इन लोगों के साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। खान साहब, आप बताएं जो एक ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में, आपको तो पता ही होगा कि भाई पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही इमेज है या कुछ बेहतर है? नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे जो लोग आते हैं मतलब मेहनत मजदूरी के लिए ही आते हैं ना, यहाँ पे ये लोग बिल्कुल जबरदस्त इमेज ही देते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर गलत काम करे तो लोग देखते हैं, वो बंदे का नाम नहीं लेता है, पाकिस्तान कंट्री का नाम लेते हैं, कंट्री का नाम लेता है, इसलिए हर एक बंदे का यही कोशिश होता है कि अच्छा इमेज दो, ताकि सारे लोग देखे ये न कहे कि ये पाकिस्तान का है, इसीलिए इधर हम जो रहते हैं एक दूसरे के साथ ये बोझ नहीं होता है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। आपके पास सबसे ज्यादा ये जो आपकी शॉप है, अगर कैमरामैन दिखाएं इनकी शॉप का नाम भी दिखाएं और ये जगह कौन सी है वो जगह भी बताएं अगर कोई आता है। ये जगह मदीना जायद अबू धाबी एरिया है, ये मिडिल बाइसाइकिल है, यहाँ पे रेसिंग साइकिल भी होते हैं बड़े जबरदस्त, आपकी प्रमोशन हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो कौन से होते हैं, पाकिस्तानी इंडियन इन दोनों में से? इनमें से ज्यादातर फिलिपिन के आते हैं, यूके के आते हैं, और ज्यादातर इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंट्री के लोग आते हैं ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? हमारा नाम सैयद दैतला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान क्वेटा जोब शहर। जोब क्वेटा से। ठीक हो गया। क्वेटा की वैसे भी जो कंडीशन है वो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें बलोचिस्तान की तो वो सबको पता है, क्या समझते हैं पाकिस्तान का बलोचिस्तान का जो इस टाइम इमेज है पूरी दुनिया में, और आप यहाँ पे जब काम जॉब करने आते हैं तो आपको मुश्किल होती है? नहीं, ऐसे कुछ भी मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत अच्छा टाइम हम गुजारते हैं। कितनी देर से हैं यहाँ पे? हम इधर 2014 में आया, अभी तक यानी 8 साल 9 साल हो गया। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कमाता है, काम अच्छा है इधर, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं, ना गवर्नमेंट की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, पहले क्या कंसेप्ट था कि एक मुझे बड़ी जबरदस्त स्टोरी बता रहे थे कि भाई पाकिस्तानियों को लेके, खासतौर पे पठानों को लेके ना, वो एक अजीब सा डर वाला माहौल बना दिया कि पता नहीं वो क्या कर देते हैं, एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त इंडियन के हवाले से। बिल्कुल, एक इंडियन पहले इधर काम करता था, फिर एक दिन हम लोग स्टोर के लिए सेंड के, मैंने कहा स्टोर से कुछ चीजें लाओ, वो उधर गया था, रो रहा था, उसने कहा नहीं पठान लोग मारते है ना। अच्छा, ये गलत
इमेज लोग और वो भी उसी इंडियन ने बाद में उसके साथ कैसा आपका रिलेशन रहा? उसका अभी इधर 10 साल पूरा हो गए क्योंकि इतना खुश है ना, क्योंकि वो लोग जो कहते थे कि यार ये लोग इस तरह के लोग मारते भी है, जब इधर इसके 10 साल पूरे हो गए उसका दिल वो हो गया ना, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा था। इन्हीं के भाई मुझे बता रहे थे कि वही इंडियन जब वापस इंडिया में गया तो उन्होंने स्पेशल गिफ्ट भेजा है यहाँ पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ से एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है, हमने ये भी करके देख लिया कि भाई एक पाकिस्तानी, एक नहीं बल्कि 4-5 पाकिस्तानी मौजूद थे और एक अकेला इंडियन था, हमने बोला ये इंडिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं अंत, और जैसा कि आपने रिएक्शन वीडियो में देखा, अगर फुल वीडियो आपको देखनी है तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी को आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उनके चैनल को। सोहेब भाई बहुत मेहनत करते हैं वाकई, और बहुत अच्छी वीडियो आपको उनकी देखने को मिलेंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भाई को यूँ ही प्यार देते रहें।